हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज छबिलो हियर। वेलकम टू माय चैनल एबिनेट स्टडी सेंटर। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का फुल रिवीजन क्लास करेंगे, जो कि ए टू जेड तक रहेगा। इसका मतलब क्या है, चैप्टर वन से लेकर चैप्टर लास्ट तक हम क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। आप लोग यूट्यूब चैनल से पढ़े होंगे, कहीं बुक से भी आप लोग पढ़े होंगे, तो उसको हम कवर करके सबको मैं एक नोट बनाया हूँ। और उस नोट का हम जो मेन मेन पॉइंट है, जितने भी थ्योरी है, जो कुछ भी है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। डिस्कस तो करेंगे, मतलब मेन मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे, आप लोगों को मैं बताऊंगा, क्योंकि आप सिर्फ सुनते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बेफिक्र होके लास्ट तक देखिए, क्योंकि चैप्टर वन से लेकर जितने भी आपका सीडीपी का आता है, वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, एक ही वीडियो में आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा और दूसरा कोई वीडियो देखने की कोई जरूरत है नहीं। तो बिलीव मी, चलिए फास्ट स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। पहला चैप्टर हमारा क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोगों को तो पता है, बार बार पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, कहीं भी आप लोग देखिए, कोई भी एग्ज़ाम आप लोग दे रहे होंगे, यूपी टेट, सी टेट, राजस्थान टेट, ये जो आप जो भी दे रहे हैं, वो सभी एग्ज़ाम के लिए, ऑल टेट एग्ज़ाम के लिए ये बेनिफिट रहेगा। ठीक है, चलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, डेवलपमेंट जो होता है वो फिजिकली, सोशली, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, मोरल एंड इमोशनली डेवलप होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, फिजिकली, इमोशनली, सॉरी, सोशली, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, मोरल एंड इमोशनली डेवलप होता है। ठीक है, देखिए सिंपली शॉर्ट फॉर्म में हम जाएंगे, और ये जो कॉग्निटिव है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव को हम बोलते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। आप लोगों को याद आ रहा है, क्या बोलते हैं हम, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट बोलते हैं। और जो सोशल है, उस सोशल को हम इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट भी कह देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये होता है हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड, ये होता है हमारे इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट। ओके, ठीक है, तो इसके अलावा आप और एक है जो कि फिजिकल डेवलपमेंट, ये अलग है, तो इसको हम देखेंगे। चलिए, क्या है फिजिकल डेवलपमेंट, देखिए फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट दो तरह के होते हैं। क्या होता है, एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल, दूसरा होता है फाइन मोटर स्किल। समझ में आ रहा है, रिवीजन हो रहा है, ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मतलब बड़ा वाला, जिसको बोलते हैं जंपिंग हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा, डांसिंग हो जाएगा, ठीक है, एटसेट्रा, जो पैर से हम करते हैं, और जो हैंड से करते हैं उसको फाइन मोटर स्किल बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेंटिंग, राइटिंग, है ये होता है हमारे फाइन मोटर स्किल। ओके, ठीक है, और एक बात देखिए, हम रिवीजन कर रहे हैं, मेन वन पॉइंट ही पढ़ेंगे। डेवलपमेंट जो होता है फ्रॉम ओम टू टोम होता है, ठीक है, ओम टू टोम होता है हमारे डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, क्या क्या होता है, पहला होता है प्री नाटल स्टेज, ठीक है, जिसको हम 40 वीक कहते हैं, क्लियर। उसके बाद क्या है, इन्फेंसी, सुनते रहिए, अक्षर पे मत जाइए, इन्फेंसी कौन सा, कब से कब तक होता है, वो होता है 0 to 2 year। ओके, अंडरस्टैंड। दूसरा क्या होता है, चाइल्डहुड होता है, इसको जो है 2 to 12 year कहा जाता है। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा होता है लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को हम क्या बोलते हैं, 2 to 6 year, और लेटर चाइल्डहुड को 7 to 12 year या 11 year भी लिखा होता है, आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, और उसके बाद आता है
एडोलसेंस, जिसको हम जो लिखे देखिए आप लोग, एडोलसेंस को 12 टू 18 ईयर्स में रखते हैं। ठीक है, इतना आप स्टेजेस समझ गए। ठीक, चलिए देखिए, ये चाइल्डहुड जो है, और एक बात, जो इन्फेंसी स्टेज है, ध्यान में रखिए, इन्फेंसी स्टेज में जो है गर्ल्स जो है वो ज़्यादा हैप्पियर होते हैं, खुशी होते हैं देन द बॉयज। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, जो चाइल्डहुड है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा होता है लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अर्ली चाइल्डहुड जो है, अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चा क्या करता है, ये जो है बच्चा, मतलब ये जो है प्ले एज है। ठीक है, क्या है? प्ले एज है, और प्री गैंग एज है। क्या है? प्री गैंग एज है, और प्री स्कूल एज है। ठीक है, प्री स्कूल एज है, सुनते रहिए आप, और लैंग्वेज डेवलपमेंट इसमें इस एज में हो जाता है। ये क्वेश्चंस बार बार आता है। देखिए, ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो कौन से एज में होता है, वो अर्लियर, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, अर्ली चाइल्डहुड में होता है, जो कि टू टू सिक्स ईयर है। ठीक है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्लियर। और लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, देखिए लेटर चाइल्डहुड में वो होता है कि गैंग एज, इसको क्या बोलते हैं हम, गैंग एज बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसको बोलते हैं एलिमेंटरी स्कूल एज। ठीक है, एलिमेंटरी स्कूल एज कहते हैं हम लेटर चाइल्डहुड को। और तीसरा क्या है, ट्रबल सेंस एज। क्या है ये? होता है ट्रबल सेंस एज। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं, पता होगा आप लोगों को ट्रबल सेंस एज क्या है। ठीक है, बच्चा जो है ट्रबल, मतलब क्या बोलते हैं वो, किसको चूज करेगा, वो डिसीजन नहीं ले पाता। ठीक है, ट्रबल सेंस एज है। ठीक है, चलिए, और जो है दूसरा वाला पॉइंट जो है वो है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब जो फैक्टर होता है वो इन्फ्लुएंस कैसे करता है, मतलब फैक्टर इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये चैप्टर मतलब पॉइंट है। ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक और पॉइंट है। ठीक है, देखिए क्या क्या, फर्स्ट है हेरिडिटरी फैक्टर। देखिए आप लोग सुनते रहिए, मतलब याद करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मैं सिर्फ बोलता हूँ क्योंकि लिख नहीं पा रहा, मतलब पाऊँगा इसमें। ठीक है, पहला जो है हेरिडिटरी फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर। क्या है? हेरिडिटरी फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर। तीसरा है इंटेलिजेंस, और चौथा है इमोशनल फैक्टर्स, और पाँचवा है सोशल फैक्टर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो कि मतलब पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में, और पूछा गया भी है। और बहुत सारे फैक्टर है जो हम, मैं सिर्फ आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, जैसे कि अदर फैक्टर, पेरेंटल एंड फैमिली केयर रिसीव बाय चाइल्ड, मतलब कैसे अपना चाइल्ड को बोलो, अपना जो पेरेंट्स है वो कैसे बिहेव करते हैं, ये सब वगैरह बहुत सारा है। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिए। और दूसरे स्टेज में जाते हैं एडोलसेंस। क्या? एडोलसेंस का एज कितना है? 12 टू 18 ईयर। ठीक है, सिंपली है, और 18 ईयर के बाद वो एडल्टहुड है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। और यहाँ पर देखिए, ये एडोलसेंस में स्टैनली हॉल जो है एक बुक लिखे थे जिसका नाम है एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस जो है वो बुक लिखे थे, और वो कहे थे इट इज ए एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग। ये क्वेश्चंस बार बार आता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। जो स्टैनली हॉल है वो क्या कहे थे, इट इज ए एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, देखिए चैप्टर नंबर हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है,
देखिए हेरिडिटी से क्वेश्चंस जो है बहुत बार आया है। देखिए पॉइंट हेरिडिटी का क्या है, हेरिडिटी इज ए स्टैटिक और फिक्स्ड। क्या है हेरिडिटी जो होता है वो स्टैटिक होता है और फिक्स्ड होता है। क्या होता है ये क्वेश्चंस पूछा गया भी है, ठीक है। स्टैटिक को आप लोग ध्यान में रखना है। और एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट इज ए चेंजेबल और डायनामिक, ठीक है। चेंजेबल और डायनामिक होता है, ठीक है। क्या होता है चेंजेबल और डायनामिक होता है एनवायरनमेंट, ओके। तो हेरिडिटी में, हेरिडिटी जो है वो 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम को लेकर है, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। 46 में से जो 22 है वो क्या है, वो ऑटोजोम्स है। क्या है ऑटोजोम्स है, ठीक है, जो कि मेल और जो फीमेल होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है, ऑटोजोम्स में। और 23 जो है वो सेक्स क्रोमोजोम है। क्या है सेक्स क्रोमोजोम है। और 23 में से जो सेक्स क्रोमोजोम है वो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, मेल और जो फीमेल वो अलग अलग हो सकते हैं, जिसको कि एक्स एंड वाई नाम से दिया गया है। इसको बोलते हैं मेल को बोलते हैं एक्स वाई और इसको एक्स एंड एक्स। देखिए इसमें से अगर x आया और इसमें से एक x आया तो डबल x हो गया, तो इसका मतलब जो है वो फीमेल चाइल्ड हो जाएगा। इसमें से अगर y आया और इसमें से x आया तो ये हो जाएगा हमारे मेल चाइल्ड, ओके। समझ में आ गया, x y हुआ तो मेल और डबल x हुआ तो वो फीमेल, सिंपल, ठीक है, समझ में आ रहा है। और है देखिए ट्विंस। ट्विंस क्या होता है, ट्विंस होता है एक होता है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होता है, और दूसरा होता है फ्रेटरनल। क्या फ्रेटरनल, ओके। और आइडेंटिकल को हम एक नाम, मतलब अनदर नाम है इसका मोनोजाइगोटिक। क्वेश्चंस पूछा जा सकता है और पूछा गया भी, मोनोजाइगोटिक क्या बोलते हैं, जाइगोटिक बोलते हैं और इसको डायजाइगोटिक बोलते हैं, ठीक है, डायजाइगोटिक बोलते हैं। समझ में आ गया, आधा लिखा हूँ तुम लोग समझ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं हम। और देखिए नेचर, नेचर और एक होता है नर्चर, ठीक है। नेचर का मतलब क्या है हेरिडिटी, ठीक है, और नर्चर का मतलब होता है एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चंस पूछा गया भी है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेचर का मतलब नॉट एनवायरनमेंट, ये होता है और नेचुरली जो होता है उसको हेरिडिटरी, सॉरी हेरिडिटी कहते हैं, और नर्चर जो होता है वो एनवायरनमेंट होता है, ओके। और क्या है देखिए डेवलपमेंट, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट, ये दोनों को मिला जुला के डेवलपमेंट होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और सिंपल भी है, ठीक है, चलिए। और इसका जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होता है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन होता है बहुत सारे। देखिए प्रिंसिपल ऑफ क्वान्टिटी, प्रिंसिपल ऑफ चेंज, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, जो कि डिडक्टिव मेथड, ठीक है, जिसको कहा जाता है डिडक्टिव मेथड। और इंडक्टिव मेथड क्या है, स्पेसिफिक टू जनरल, रूल टू लॉस, रूल टू एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल टू रूल जो होता है वो डिडक्टिव होता है, वो आप लोगों को पता है, ठीक है। और क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, सीक्वेंस, डायरेक्शन, इंटर इंटीग्रेशन, इंटर रिलेशन, मेचुरेशन एंड लर्निंग, ये बहुत सारे होता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, ठीक है।
तो इसके देखिए इसका जो है और एक है देखिए प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, यहां पर देखिए एक होता है सेफालोकॉडल, क्या होता है सेफालोकॉडल होता है, और दूसरा होता है प्रोक्सिमो डिस्टल, क्या होता है प्रोक्सिमो डिस्टल होता है। ये जो सेफालोकॉडल होता है वो हेड टू फूड होता है ओके, और ये जो होता है ये सेंटर टू पेरिफेरी होता है, ये सेंटर टू पेरिफेरी ठीक है ओके, सेंटर टू पेरिफेरी होता है, और सेफालोकॉडल जो होता है हेड टू फूड होता है ओके। और एक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्पाइरल कॉर्ड, ठीक है स्पाइरल कॉर्ड जो होता है ऐसे होता है ठीक है, और जो कि ये जो डेवलपमेंट वो मतलब इंटर रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है स्पाइरल क्या होता है वो इंटर रिलेशन होता है डेवलपमेंट का ठीक है। चलिए क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट जो होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है, और जो है डेवलपमेंट क्या होता है इंडिविजुअल लर्नर डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर इन, देखिए इंडिविजुअल जो लर्नर का जो डिफरेंसेस है वो कैसा है एज कम्पेयर टू रेट ऑफ डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या होता है रेट ऑफ डेवलपमेंट से के हिसाब से हम डिफरेंसेस कर सकते हैं। और क्या है और है यहाँ पर देखिए PSRN का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है सॉरी प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग एंड न्यूमरेसी ठीक है ओके ठीक है। चलिए और ये तो दूसरा वाला चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर नंबर थ्री जो है टीचिंग मेथड, क्या होता है टीचिंग मेथड, पढ़ाने के लिए कौन से मेथड जो हमें अपनाना पड़ेगा उसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे मेथड है, पहले है स्टोरी टेलिंग मेथड, फर्स्ट है स्टोरी टेलिंग मेथड, दूसरा है टेक्स्ट बुक मेथड, तीसरा है लेक्चरर मेथड, चौथा है डेमोस्ट्रेशन मेथड, पांचवा है वो है ट्यूटोरियल मेथड, छठवा है हमारे हो गया क्वेश्चंस आंसर मेथड ठीक है, और सेवन में है डिस्कशन मेथड, और एट में है हीरोस्टिक मेथड, नाइन में है डिस्कवरी मेथड, और टेन में है प्रोजेक्ट मेथड, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि डाल्टन मेथड, क्या है डाल्टन मेथड, और है और क्या है प्रोजेक्ट मेथड मैंने कहा यस प्रोजेक्ट मेथड मैंने कहा, और क्या है बहुत सारे मेथड हैं और क्या है थोड़ा मैं याद कर रहा हूँ सॉरी ठीक है इतना और भी ज़्यादा है लेकिन उसको देखते हैं याद आएगा तो आप लोगों को मैं बता दूंगा। और पहला मैंने क्या कहा स्टोरी टेलिंग मेथड, क्वेश्चंस देखिए कैसे आएगा, देखिए जो स्टोरी टेलिंग मेथड है वो इसको ओल्डेस्ट मेथड भी कहते हैं, क्या कहते हैं ओल्डेस्ट मेथड, और यहाँ पर देखिए ट्रेडिशनल जो मेथड है वो लेक्चरर मेथड है, यहाँ पर देखिए ये जो है लेक्चरर मेथड जो होता है वो ट्रेडिशनल मेथड होता है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर ओल्डेस्ट मेथड क्या है कहेगा, अगर वहीं पे स्टोरी टेलिंग मेथड है तो आप लोगों को ओल्डेस्ट मेथड स्टोरी टेलिंग मेथड लिखना है, अगर ओल्डेस्ट मेथड और ट्रेडिशनल मेथड अगर लेक्चरर मेथड है तो आप लोगों को वहीं देना है लेक्चरर मेथड, आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा ठीक है। और देखिए स्टोरी टेलिंग मेथड में पहला हम जाएंगे, जो स्टोरी टेलिंग मेथड है ये जो है इसमें क्या होता है फोकस होता है और कंसंट्रेशन करते हैं स्टूडेंट्स, किसमें स्टोरी अगर कहेंगे तो किसको पसंद नहीं है भाई, ऑब्वियसली पसंद है, और इसमें क्या होता है इमेजिनेशन, अगर एक चीज़ को आप देखो हम मैं अगर आप लोगों को स्टोरी कहूँगा तो आप लोग ऑब्वियसली इमेजिनेशन करेंगे ठीक है। और इसमें देखिए क्या डेवलप होता है वोकैबुलरी, क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है इसमें क्या डेवलप होता है वोकैबुलरी डेवलप होता है, और इसमें से साइंटिस्ट होंगे ग्रेट लीडर होंगे जो समझ रहे हैं ना जो
स्टोरी, जैसे कि लीडर जो होते हैं वो नेता, समझ में आ गया ना, ये सब स्टोरी ही बोलते हैं। और साइंटिस्ट सोशलिस्ट भी बन जाते हैं, ठीक है, किसमें, स्टोरी टेलिंग मेथड में। और दूसरा क्या है, टेक्स्ट बुक मेथड। टेक्स्ट बुक मेथड क्या होता है, देखिए टेक्स्ट बुक मेथड जो होता है इसको जो है इसमें ज़्यादातर जो है चिल्ड्रन लोगों का इंटरेस्ट होता है। टेक्स्ट बुक जो जिसको हम बुक देखकर पढ़ते हैं वो वाला है ना, वो होता है, इसमें कोई इतना ज़्यादा नहीं है। और तीसरा देखिए लेक्चरर मेथड जिसको हम क्या बोलते हैं, चॉक एंड टॉक मेथड। क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा जा सकता है यहाँ पर, देखिए लेक्चरर मेथड क्या है, लेक्चर मेथड, ठीक है। लेक्चर मेथड क्या है, इसको हम चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं, क्या चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं। और ये ट्रेडिशनल मेथड है, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें क्या डेवलप होता है, देखिए इसमें होता है सिस्टमेटिक, क्या होता है, सिस्टमेटिक होता है, और इसमें लॉजिक आता है, इसमें क्या आता है, आक्स क्वेश्चंस होता है, इसमें क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ओके। इसमें ये बेसिकली क्या है, लेक्चर मेथड का इसमें होता है इम्प्रेसिंग होता है, सॉरी ये जो लेक्चर मेथड होता है ये टीचर सेंटर होता है, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये जो लेक्चर मेथड है वो टीचर सेंटर मेथड है, क्वेश्चंस आप लोगों को दे देगा कि टीचर सेंटर मेथड कौन सा है, तो आप लोगों को लेक्चर मेथड देना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए और है हमारे डेमोस्ट्रेशन मेथड, ठीक है। डेमोस्ट्रेशन मेथड का मतलब क्या है, जिसको हम पिक्चर वाइज जो दिखाकर हम जो पढ़ाते हैं उसको बोलते हैं हम डेमोस्ट्रेशन, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो नेचुरलिज्म जो है, और हाँ और है ये प्ले वे मेथड, क्या है प्ले वे मेथड, एक है प्ले वे मेथड, क्या होता है मतलब बच्चे को मतलब खेल खेल में पढ़ाना, ठीक है। इसको जो है नेचुरलिज्म जो है वो सपोर्ट किए हैं, ठीक है, नेचुरलिज्म जो है वो इसको सपोर्ट किए हैं। और है ट्यूटोरियल मेथड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो होता है होमोजेनियस होता है, ये क्वेश्चंस पूछा भी गया है, होमोजेनियस होता है, ठीक है। होमोजेनियस मतलब ऐसे सेम चाइल्ड, ओके, ऐसे जो ट्यूटोरियल में आप लोग देखे होंगे भी जिस तरह मतलब पढ़ाते हैं। और तीसरा है क्वेश्चंस आंसर मेथड, क्या है क्वेश्चन आंसर मेथड, ठीक है। क्वेश्चंस आंसर मेथड को हम सोक्रेटियन मेथड भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सोक्रेटियन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछा भी गया है इस बार के यूपी टेट में पूछा गया था, ठीक है। और नेक्स्ट है डिस्कशन मेथड, क्या डिस्कशन वर्ड देखकर आप लोगों को पता ही होगा, इसमें क्या होता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मतलब डिस्कशन कर सकते हैं, इसमें से लीडरशिप बहुत ज़्यादा जो है पैदा होते हैं इस डिस्कशन मेथड में। ये होता है टॉलरेंस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉलरेंस होता है, ठीक है, आप लोग मतलब लगभग पता होगा आप लोगों को। और नेक्स्ट है हीरोस्टिक मेथड, क्वेश्चंस पूछा जाता है, इस बार आया था हीरोस्टिक मेथड जो है किसने दिया था, एच ई
एमस्ट्रॉन्ग ने दिया था, ठीक है, एमस्ट्रॉन्ग ने दिया था। ओके, इसका मतलब क्या है, अभी जो ह्यूरिस्टिक मतलब कुछ खोज के, ठीक है, एक प्रॉब्लम यहां पर आ गया तो सडन उसका एक सोल्यूशन निकाल देना, उसको कहते हैं हम क्या, ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है। और यहां पर देखिए प्रोजेक्ट मेथड क्या है, प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड जो है किसने दिया था, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, डब्ल्यू एच किल पैट्रिक ने दिया था, ठीक है, डब्ल्यू एच किल पैट्रिक ने दिया था। और दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, दूसरा जो होता है मतलब ये जो फोर स्टेप है इसका क्या है, फोर स्टेप है, क्या क्या है, पहला जो है परपोज है, क्या है परपोज, दूसरा जो है प्लान, तीसरा जो है एग्जीक्यूट, ओके, और चौथा जो है वो जज, ओके, समझ में आ गया, परपोज प्लान एग्जीक्यूट एंड जज, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चंस मतलब इसके इसमें क्वेश्चंस पूछा जा सकता है बेस्ट ऑन प्रैग्मेटिशियन, इसमें ये देखिए ये जो प्रैग्मेटिशियन होता है, ये प्रैग्मेटिशियन प्रैग्मेटिज्म जो होते हैं प्रैग्मेटिस्ट, इसको सपोर्ट किया है प्रोजेक्ट मेथड को, ठीक है, ओके। और क्यों सपोर्ट किया है ये भी आप लोगों को लॉजिक होना चाहिए। देखिए जॉन ड्यू जो है प्रैग्मेटिस्ट थे, ठीक है, और जॉन ड्यू का जो शिष्य थे वो थे किल पैट्रिक, ठीक है, उसको इसलिए सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट क्या है, और रूसो जो है, रूसो कहे थे, रूसो क्या कहे थे, लर्निंग बाय डूइंग, ये क्वेश्चंस पूछ भी सकता है जो कि OSSTT में आता है, लर्निंग बाय डूइंग। और श्री अरबिंदो ने जो है, यहाँ पर देखिए श्री अरबिंदो ने एक मेथड दिया था जिसका नाम है स्टेप बाय स्टेप मेथड, ठीक है। और तीसरा क्या है, और तीसरा है देखिए टीचिंग वाइल वॉकिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ एजुकेशन। देखिए अगर हम चल के पढ़ेंगे तो ये मतलब चल के पढ़ना एक बेस्ट मेथड है, किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ओके। ये टीचिंग मेथड शायद से जी, ये खत्म हो गया, चैप्टर 3 भी खत्म हो गया, उसके बाद जाते हैं हम चैप्टर नंबर फोर क्या है, देखिए चैप्टर नंबर 4 है सोशलाइजेशन, क्या सोशलाइजेशन मतलब सोसाइटी, ठीक है। देखिए टाइप ऑफ सोशलाइजेशन का टाइप है वो क्या क्या है, देखिए पहला जो है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन, तीसरा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, तीसरा है एंटीसिपेटोरी सोशलाइजेशन, चौथा है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, और लास्ट में आता है रीसोशलाइजेशन, ठीक है। देखिए प्राइमरी जो होता है वो फैमिली ही होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन, और सेकेंडरी जो होता है वो स्कूल होता है, नेबरहुड होता है, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है जो नेबरहुड होता है वो कौन से मतलब कि सोशलाइजेशन में जाता है, वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन में जाता है, ओके। और एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है भाई, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन ये होता है कि
जो जैसे कि मान लीजिए क्या बोलेंगे, एक मतलब एक जो डॉटर होता है वो किसी के वाइफ बन के जाता है, तो वहाँ पर एक रूल निभाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एज ए डॉटर था वहाँ पर एक वाइफ की तरह एक रूल निभाया, उसके जो घर था वो ना किसी को पहचानता था ना कुछ, नहीं एक अलग रूल यहाँ पर डॉटर के रूल निभाया था और यहाँ पर वाइफ के रूल निभाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है ना, ये एंटिसिपेटरी, किसी को सपोर्ट करके, एंटिसिपेट करके, समझ रहे हो ना, एक रोल करके। और डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन क्या होता है, ये होता है लर्न स्किल एनीथिंग एंड एनीवेयर। ये डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन होता है, कहीं पर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अपना स्किल दिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और रीसोशलाइजेशन जो होता है, देखिए एक समाज में जो होता है सीखने के लिए, ओके, सीखने के लिए बहुत सारे समाज में, जैसे कि मान लो देखिए एक समाज में सिर्फ सीखने के लिए मतलब एक चीज़ सीखने के लिए नहीं है, समझ रहे ना, बहुत सारे हैं। और उसको मान लीजिए थोड़ा देखिए एक एग्जांपल ले जाते हैं, जैसे वाला डॉटर एंड वाइफ वाला, डॉटर एंड वाइफ, एज ए डॉटर तो सब कुछ सीखा होगा वहीं पे, सब कुछ उसको मतलब जो है घर को कैसे चलाते हैं और किसको कैसे बिहेवियर देते हैं वो यहाँ पर भी सीखा होगा। और उसके अलावा जब वाइफ बना तो वहीं पे भी उसने सीखा वही बात, तो ये क्या हुआ, रीसोशलाइजेशन हुआ, यहाँ पर भी सीखा था जो वो यहाँ पर आकर सीखने लगा, इसको रीसोशलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या होता है, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन क्या होता है, एक होता है फैमिली, दूसरा होता है पीयर ग्रुप, ठीक है, तीसरा होता है स्कूल, चौथा होता है मीडिया, ठीक है। देखिए इसमें भी दो तरह के एजेंट होते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक होता है एक्टिव एजेंट्स, दूसरा होता है पैसिव एजेंट्स। एक्टिव एजेंट्स जहां पर डायरेक्ट इन्वॉल्व है स्कूल, फैमिली, पैसिव क्या होता है भाई, पैसिव जो होता है वो बताइए कौन से एग्जांपल होता है पैसिव, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग सोशलाइजेशन, फैक्टर अफेक्टिंग सोशलाइजेशन, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ता है, एक होता है नेशनलिटी, एक नेशनलिटी ही इम्पैक्ट पड़ता है, दूसरा होता है जेंडर, तीसरा होता है कल्चर, चौथा होता है लैंग्वेज, नंबर फाइव होता है रेस, नंबर सिक्स होता है इकोनॉमी, ठीक है। ये सोशलाइजेशन को एफेक्ट देता है, एफेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जेंडर जो होता है वो जैसे कि जेंडर चेंजेस नहीं है, चेंज हो सकता है क्या जेंडर, जेंडर को हम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, जो है जेंडर वो कंस्टेंट रहता है, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है, देखिए इंडिविजुअल हु हैव नॉट बीन सोशलाइज्ड इन द सेम वे एज द मेजोरिटी ऑफ पीस आर ऑफ्टन कंसाइडर्ड बाय देयर सोसाइटी टू बी, और एक बार पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए, इंडिविजुअल्स हु हैव नॉट बीन सोशलाइज्ड इन द सेम वे इज द मेजोरिटी ऑफ पीपुल आर ऑफ्टन कंसाइडर्ड बाय देयर सोसाइटी टू बी डैश, ऑप्शन ए है मेंटली इल, अबनॉर्मल और ऑड, डेविएंट,
ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ दिस, ये सभी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं थ्योरी की तरफ। थ्योरी में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। पहला थ्योरी जो है सोशलाइजेशन का, ठीक है, पहला थ्योरी है ब्रोफर ब्रोनर्स, आप लोगों को पता ही होगा, सॉरी ब्रोफर ब्रोनर्स जो है इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, ओके, जिसको इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी भी कहते हैं ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें 5 लेवल होता है। ये जो 5 लेवल होता है वो क्या होता है, MMEMC, ठीक है, एम से जाता है माइक्रो, एम से जाता है मेसो, ठीक है, और ई से जाता है एक्सो, माक्रो, सी से जाता है क्रोनो सिस्टम, क्या होता है क्रोनो सिस्टम, ठीक है। ये देखिए एक व्हील जैसे बनाएंगे, इसमें फास्ट जाता है ये वाला पोर्शन जो है, ये जाता है ये वाला पोर्शन, ये जाता है माइक्रो की तरफ, एम पहला एम, इसमें क्या होता है वो जहां पर डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है चिल्ड्रन, ठीक है, कहां डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है कहां पर, डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है ऑब्वियसली स्कूल कॉलेज और होम अस्पताल, इसको कहते हैं, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है स्कूल होम अस्पताल एंड कॉलेज, ठीक है, चलिए। और जो है यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट जो है ये जाता है मेसो की तरफ, ठीक है, मेसो में क्या किया जाता है, मेसो में जाता है जो जहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, जिसको बोलते हैं हम PTM, ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली चिल्ड्रन जो मतलब फेस करता है प्रॉब्लम। और क्या होता है यहाँ पर, होता है यहाँ पर देखिए ये होता है एक्शो, मतलब बहुत बड़ा फैक्टर, इससे मतलब माइक्रो एंड मैसो से बहुत बड़ा फैक्टर, जिसको बोलते हैं मास मीडिया से जो प्रॉब्लम आता है, और पेरेंट्स की जो जॉब होता है वहीं से जो प्रॉब्लम होता है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट्स, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, कहाँ पर ट्रांसफर हो गया, तो सोशल मीडिया में ये सब होता है प्रॉब्लम एक्सो में। और माइक्रो में जो होता है बहुत बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है कल्चर डेवलपिंग, ठीक है, कल्चर जहाँ पर डेवलप, अलग अलग कल्चर अगर हो गया, जैसे कि इंडिया में रहता है जाकर कहाँ रहा यूएसए में आकर इंडिया में रहा, ये सब डिफरेंट होता है। और लास्ट में होता है सी जो है क्रोनो सिस्टम क्या होता है, थ्रू आउट लाइफ चेंजेस, क्या होता है थ्रू आउट लाइफ चेंजेस, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को, मतलब ये जो एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत बड़ा मायने रखता है आप लोगों के लिए। और दूसरा वाला क्या है, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, और जो है ग्लास सेल्फ थ्योरी, ठीक है, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसने दिया था C.H. Cooley ने, ठीक है, C.H. Cooley का मतलब क्या है, C.H. Cooley का मतलब है चार्ल्स हटन कूली। ये कहे थे एवरीवन डेवलप हिज और हर आइडेंटिटी विद रेफरेंस टू हाउ अदर थिंग एंड परसेव हिम और हर एंड हाउ ही और सी
टॉप अदर परसेप्शन, ठीक है, ये दिए थे, आप लोगों को याद रखना है। और एक भी दिए थे डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू सी एच कुली, आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम एंड आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम, सिंपल, ठीक है, ये दिए थे, आप लोगों को याद रखना है। और तीसरा है जी एच मीड, जी एच मीड, जी एच मीड ने एक थ्योरी दिया था, आई एन मी थ्योरी, क्या आई एन मी थ्योरी, ओके डन। मी का मतलब सोशल, सोशलिस्ट एस्पेक्ट, और आई का मतलब है रेस्पॉन्स, ठीक है, समझ में आ गया, ये सोशल सोशलिस्ट एस्पेक्ट, ये होता है रेस्पॉन्स। इसका इस थ्योरी का थ्री स्टेज है, क्या क्या है यहाँ पर देखिए, प्रिपेरेटरी स्टेज, प्रिपेरेटरी स्टेज जो कि 0 to 2 year है, कितना है 0 to 2 year, और दूसरा जो है प्ले स्टेज जो कि 2 to 6 year, ओके, और गेम एज, क्या है गेम एज जो कि 7 to off, मतलब 7 से ऊपर, ओके, ये दिए थे, ओके। नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट थ्योरी है वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। इसमें क्या जाता है, तीन परसेप्टिव जाता है, क्या जाता है थ्री परसेप्टिव जाता है, क्या क्या जाता है, ए जाता है सोसाइटी, क्या सोसाइटी, तीसरा जाता है कल्चर, ठीक है, चौथा जाता है लैंग्वेज, ठीक है, ओके। देखिए सोसाइटी कल्चर एंड लैंग्वेज, सोसाइटी तो आप लोगों को पता है, सोसाइटी से ही जो चिल्ड्रेन है वो डेवलप होता है, किस तरह सोसाइटी हम स्टूडेंट को देते हैं और किस तरह कल्चर में वो पला बढ़ा है, ठीक है। और लैंग्वेज में बहुत इम्पोर्टेंट रह जाता है जो कि एज ए टूल वर्क काम करता है, ओके, समझ में आ गया। देखिए लैंग्वेज में जाता है कोलैबोरेटिव लर्निंग और ग्रुप लर्निंग, इसमें जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए लैंग्वेज जो है वो एज ए टूल काम करता है, फर्स्ट जाता है इसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड ग्रुप लर्निंग, ठीक है, ग्रुप लर्निंग, ओके, और नंबर बी या टू है कोऑपरेटिव लर्निंग, क्या जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। सी जाता है असिस्टिव और असिस्टेंट लर्निंग, सुनते रहिए। प्योर ट्यूटरिंग, क्या जाता है प्योर ट्यूटरिंग, ठीक है, और पीयर ट्यूटरिंग में देखिए यहाँ पर कहा गया है जो वाइगोत्स्की है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान में रखना है, वाइगोत्स्की ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है, रचनावादी, सोशल रचनावादी मतलब सामाजिक रचनावादी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ऑप्शन ई में जाता, मतलब नेक्स्ट जो ई है वो होता है कॉग्निटिव अपीयरेंसिव, ठीक है, और एफ में जाता है रेसिप्रोकल टीचिंग। अच्छा रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब क्या है ध्यान में रखना, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होता है, वो होता है एक दूसरे के लिए
एक दूसरे को हेल्प करना, हेल्प करके सीखना, ये भी रेसिप्रोकल टीचिंग होता है। ठीक है, एक दूसरे को हेल्प करके सीखना, जिसको रेसिप्रोकल टीचिंग कहा जाता है। जैसे कि टीचर स्टूडेंट से भी कुछ सीखेगा और स्टूडेंट जो बेसिकली टीचर से ही सीखता है। ओके, इसका जो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हो सकता है ये होता है ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये होता है इंटरेक्शन, क्योंकि ये सोशली हो रहा है और रिलेशन वाइज होता है, रेसिप्रोकल टीचिंग हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो तीन मेन स्टेजेस दिए थे वाइगोस्की ने, फर्स्ट है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। सेकंड क्या होता है, स्कैफोल्डिंग होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है मोर नॉलेजेबल अदर। क्लियर, जेडपीडी में क्या होता है, एक जोन होता है जहां से हम शुरुआत करते हैं एक एम के ओर। ठीक है, और स्कैफोल्डिंग क्या होता है, स्कैफोल्डिंग होता है उस एम के तरफ जाने की एक टेम्प्रारी हेल्प होता है, जो भी टीचर दे या कोई भी टेम्प्रारी दे। ठीक है, और एम के ओ मोर नॉलेजेबल अदर जो होता है, अदर जो होता है वो क्या होता है, वो एम तक मतलब सक्सेसफुल होने तक वो क्या करेगा, अचीव करने के लिए वो हेल्प करेगा एम के ओ। ठीक है, ये स्कैफोल्डिंग जो होता है वो एक मचान होता है। ठीक है, जहाँ पर ठीक मतलब टेम्प्रारी हेल्प दिया जाता है, और एम के ओ मोर नॉलेजेबल अदर जो होता है यहाँ पर क्या होता है, ये एम को सक्सेसफुल अचीव करने के बाद वो उसको छोड़ सकता है। ठीक है, एम को अचीव कर जब तक नहीं करता एक स्टूडेंट्स या कोई भी, उस वक्त तक वो क्या करेगा, उसको हेल्प करता रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो उसके बाद जाते हैं हम जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चार लेवल होता है स्टूडेंट का जो है वो, या कोई भी सीख रहा है तो उसका चार लेवल होता है, ये स्टेज चार स्टेज अलग है। ठीक है, एक होता है स्कीमा, याद आ रहा है, एसिमिलेशन एक्यूमोडेशन। ठीक है, और चौथा होता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम होता है। स्कीमा क्या होता है, देखिए ये स्कीमा होता है, ये एक मान लीजिए एक काऊ है, क्या है, काऊ है, वो काऊ का जो चीज मतलब पिक्चर है वो किसके जहन में है, एक स्टूडेंट्स के जहन में है या कोई एक जो सीखने वाला है वो उसके जहन में है, तो उसको हम स्कीमा कहेंगे। वो ये जो काऊ है वो कैसा है, वाइट है। ठीक है, कैसा है, वाइट है। और उस काऊ को ये जो स्टूडेंट्स देखा है वो सिर्फ वाइट कलर का देखा है, समझिए, सिर्फ वाइट कलर का देखा है, कोई ब्लैक कलर या कोई मतलब रेड कलर का नहीं देखा है। तो उसके बगल में क्या होता है, एक और जो है वो ब्लैक कलर के काऊ जाता है, क्या जाता है, ब्लैक कलर के काऊ। तो इसको बोलता है मतलब ये कौन क्या है, कौन से मतलब एनिमल है कि पूछेगा, तो उसको बताया जाता है कि ये जो ब्लैक कलर का ये जो है ये वी काऊ होता है। तो इसने मतलब ये क्या हुआ, ये एसिमिलेशन हुआ कि नहीं, ये जो वाइट कलर का भी काऊ होता है और ब्लैक कलर का भी काऊ होता है। और दूसरे दिन ब्लैक और जो वाइट काओ है वो क्या है, मिक्स ब्लैक और वाइट कलर का जो काओ है वो उस रास्ते पर गुजरता है, तो उस टाइम में उसको मतलब क्या बोलेंगे, उसको मतलब कंफ्यूज हो जाता है वो। ठीक है, तो वो इसमें कंफ्यूज हो जाता है, तो वो बोलता है कि ये कौन से एनिमल है,
ओके ना। तो इसको बोला जाता है कि देखिए ये जो इसमें देखिए ब्लैक और वाइट जो काऊ है उसको वो पहचान नहीं पाता, समझ रहे ना। तो उसके बाद उसको कहते हैं कि नहीं ब्लैक और वाइट काऊ का भी मतलब कॉलर का जो काऊ होते हैं वो भी काऊ होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एकोमोडेशन हो गया, समझ में आ गया। और ये जो ये कन्फ्यूज हुआ ब्लैक एंड वाइट में, ये हो गया हमारे इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखिए ये जो ब्लैक एंड वाइट काऊ था, सॉरी ये ब्लैक एंड वाइट काऊ, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट काऊ जो था वो एकोमोडेशन हो गया, उसको कन्फ्यूजन हो गया उसको, ठीक है, कि ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का भी एक था वाइट, ब्लैक कलर का भी एक काऊ था, वाइट कलर का भी एक काऊ था, तो इसमें ब्लैक एंड वाइट काऊ कैसे चला आया, तो इसमें ये कन्फ्यूज हो जाता है, इसको बोलते हैं हम एकोमोडेशन, ठीक है। और दूसरा है, चलिए स्टेजेस की तरफ जाते हैं, क्या है स्टेजेस की तरफ, जो फोर स्टेजेस है वो क्या क्या है आप लोगों को पता ही है, ठीक है, उसके तरफ जाते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसोरी मोटर स्टेज जो कि 0 to 2 ईयर है, आप लोगों को पता ही होगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 to 7 ईयर है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 to 11 ईयर है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि एडोलसेंस एंड एडल्टहुड को कहा जाता है, समझ में आ गया। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे, जो कि पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें क्या होता है, इसमें होता है बच्चा जो है वो सेंसेस के थ्रू सीखता है, क्या सेंसेस के थ्रू सीखता है, ओके। और इसमें हो जाता है इमिटेटिव बिहेवियर, इमिटेटिव बिहेवियर मतलब क्या होता है, जो देखकर सीखना, नकल करना, ठीक है। और क्या होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, क्या होता है इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, ठीक है। सेकेंड नंबर स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, ये 2 to 7 ईयर तक रहता है। यहाँ पर क्या डेवलप होता है, यहाँ पर डेवलप होता है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, क्या डेवलप होता है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग डेवलप होता है। ये ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, ये जो बच्चा है ना वो अपने आप जो रीज़न लगा लेता है उसको कहते हैं हम ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। और क्या होता है, और होता है क्रूशियल स्टेज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है ना, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल स्टेज है, ठीक है। और क्या हो सकता है, इस स्टेज में पियाजे ने कहे हैं कि चाइल्ड लर्न टू थिंक एंड डेवलप द लैंग्वेज लेटर, इस स्टेज के बाद वो जो है धीरे धीरे उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है उसका जो मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट वो इस स्टेज के बाद धीरे धीरे हो जाता है। और यहाँ पर देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर होता है इरिवर्सिबिलिटी जो होता है, इरिवर्सिबिलिटी जो होता है डेवलप नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर डेवलप नहीं होता, यहाँ पर ध्यान रखिए। और क्या हो सकता है यहाँ पर, अच्छा इरिवर्सिबिलिटी मतलब 2+3=5, 3+2=5, इसको पता नहीं होता, ये 3+2=5 होता है, 2+3=5 होता है, ये होता है इरिवर्सिबिलिटी डेवलप्ड, यहाँ नहीं होता, ठीक है। और क्या हो सकता है डी कॉन्सेक्चुअलाइजेशन, ठीक है, ये मतलब यहाँ पर नहीं कर पाता, मतलब मल्टीपल एस्पेक्ट नहीं कर पाता बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसको हम प्री चाइल्डहुड कहते हैं, क्या कहते हैं प्री चाइल्डहुड, चाइल्डहुड कहते हैं, ध्यान में रखिए। और यहाँ पर ईगो, सॉरी ईगो सेंट्रिज्म जो है डेवलप हो जाता है, ठीक है, ईगो सेंट्रिज्म जो है डेवलप हो जाता है। और क्या यहाँ पर एनिमिज्म जो होता है वो डेवलप हो जाता है, एनिमिज्म
यहाँ पर लगा लेता है ये बच्चा, ठीक है, एनिमी स्टार्ट कर लेता है किसी को, अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो वो क्या करेगा, वो उसको एनिमी बना देगा, ठीक है। और तीसरा क्या मतलब नेक्स्ट, तीसरा तो नहीं, उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टॉय एज है ये, ध्यान में रखिए, ये क्या होता है, इस एज को हम टॉय एज भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू पियाजे, ठीक है। देखिए अगर देखेंगे तो हम स्टेज वाइज देखेंगे तो जो टॉय एज ये 2 to 7 ईयर में आता है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है, क्योंकि ये हम 2 to 7 ईयर स्टेज को बढ़ रहे हैं। तो अगर क्वेश्चंस में देगा कि टॉय एज कौन से एज में जाता है, तो 2 to 7 ईयर में जाता है। अगर किसी ने कहा है तो ये को बोल देना है अकॉर्डिंग टू पियाजे 2 to 7 ईयर जो टॉय एज रहता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज को जाते हैं, नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, देखिए नेक्स्ट स्टेज में हम देखेंगे जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज थ्री, क्या है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये जो होता है 7 to 11 ईयर, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या डेवलप होता है, यहाँ पर जो बच्चा है वो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर देता है, और क्या सीखता है, पहले वाले स्टेज जो सेकेंड वाले स्टेज में वो लॉजिकल मतलब रिवर्सिबिलिटी नहीं कर पाता था, यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी हो जाता है, जो कि 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5, ठीक है। और क्या है यहाँ पर जो है एसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकता है, 100 to 1 भी कर सकता है एंड 1 to 100 भी लिख सकता है, ठीक है, यहाँ पर डेवलप हो जाता है। शेप एंड साइज का नॉलेज आ जाता है, शेप एंड साइज का नॉलेज आ जाता है, ठीक है, और इसको हम प्री गेइंग एज कहते हैं। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, अकॉर्डिंग टू पियाजे प्री गेइंग एज किस स्टेज को कहते हैं, वो 7 to 11 ईयर। लेकिन हम देखेंगे तो जो बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड है वहाँ पे हम कहते हैं प्री एज, प्री गेइंग एज, प्री स्कूल एज, नहीं ये कहते हैं हम अर्ली चाइल्डहुड को, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पियाजे वो कहते हैं कि 7 to 11 ईयर जो है वो होता है प्री गेइंग एज, ओके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ, नंबर फोर क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ओके। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो डेवलप होता है, ठीक है, और ये होता है गैंग एज, क्या होता है गैंग एज। इसके पहले वाले जो स्टेज में हम प्री गैंग एज समझे थे, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है उसके नेक्स्ट वाले स्टेज में उसको गैंग एज कहा जाता है, जो कि एडोलसेंस एज कहा जाता है इसको, एडोलसेंस टू एडल्टहुड, ठीक है। और क्या है यहाँ पर जो होता है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप होता है, क्या होता है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप होता है, ठीक है। डिडक्टिव मतलब जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ, नोन टू अननोन की तरफ, ठीक है। यहाँ पर क्रिएटिव थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग, यहाँ पर सब कुछ डेवलप हो जाता है, यहाँ पर ध्यान में रखिए, ठीक है। उसके पहले वाला में मतलब सिर्फ रिवर्सिबिलिटी डेवलप होता है, और जो और उसके पहले ऊपर इरिवर्सिबिलिटी डेवलप होता है, मतलब रिवर्सिबिलिटी डेवलप नहीं कर पाता, ठीक है, ध्यान में रखिए, ओके, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट का स्टेज क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, ठीक है। जब यहां पर देखिए आफ्टर बर्थ जो होता है वो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि हम 2 to 6 ईयर में उसको काउंट करते हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड है, ठीक है। और क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्मिथ ने कहा है, देखिए उन्होंने कहा
जो 1 ईयर में वो बच्चा 3 वर्ड डेवलप करता है, 2 ईयर में 272 वर्ड डेवलप करता है, और 5 ईयर में जो है वो 2072 वर्ड डेवलप करता है, मतलब डेवलप होता है उसका लैंग्वेज में। ठीक है, समझ में आ गया। 3, 272, 2072 सिंपल है। ठीक है, और इसका जो है देखिए कुछ जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए 4 हिस्से हैं। एक होता है फोनीम, फोनीम होता है, दूसरा होता है मॉर्फीम होता है, ठीक है, तीसरा होता है सिंटैक्स, चौथा होता है सिमेंटिक्स। फोनीम, फोन से याद कर सकते हैं सिर्फ च का, मतलब छोटा वाला जो वर्ड होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, ठीक है। और यहाँ पर मॉर्फीम क्या होता है, एक अच्छा वाला वर्ड हो जाता है, टोटल वर्ड गुड बैड ये हो जाता है। यहाँ पर हो जाता है स्ट्रक्चर वर्ड, मतलब जो स्ट्रक्चर वाइज जो हम क्या बोलते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, प्रोसीजर वाइज जो सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सिंटैक्स। और सिमेंटिक्स क्या होता है, एक मीनिंगफुल वे में जो सेंटेंस होता है, ठीक है, मीनिंगफुल वे में जो एक सेंटेंस का जो मीनिंग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात देखिए, फास्ट इज जो बार्थ होता है, बार्थ में जो क्या करता है बच्चा, क्राइंग करता है, ठीक है। दूसरा स्टेज क्या है, 6 वीक में, 6 वीक में वो हो जाता है क्विंग करता है, मतलब जो बोलते हैं जो आवाज़ करता है, ठीक है, क्विंग आवाज़ जो करता है, क्विंग जो करता है। नंबर 3 क्या है, 6 ईयर में क्या करता है, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 6 मंथ, ये वो हो गया, ये मंथ, तो क्या हो जाएगा इसमें, बबलिंग करेगा, क्या करेगा, बबलिंग करेगा, ओके। 4 स्टेज क्या है, 1 से 1.5 ईयर में क्या कर सकता है बच्चा, वो 1 वर्ड सीख सकता है, 5 में, 2 ईयर में 2 वर्ड, और उसके बाद आ जाता है 6 स्टेज जो होता है हमारे प्री स्कूल ईयर में जो होता है, जो 2 to 6 ईयर, ठीक है, प्री स्कूल जो होता है, यहाँ पर देखिए 6 नंबर पर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, 2 to 6 ईयर जो होता है प्री स्कूल के, नहीं स्कूल के जाने के पहले, प्री स्कूल मतलब स्कूल को जो 6 या 5 ईयर में हम एडमिशन कराते हैं उसके पहले, ठीक है, वो क्या कर सकता है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज जो है डेवलप कर लेता है, मतलब बहुत सारे लैंग्वेज उनको उसको पता चल जाता है, ठीक है। इस लैंग्वेज डेवलपमेंट में 2 जो इम्पोर्टेंट थ्योरी दिए हैं, पहले हम देखेंगे वाइगोस्की को, ठीक है, और उसके बाद जाता है चॉम्स्की, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सोशल, प्राइवेट और साइलेंट इनर स्पीच, ठीक है, ये वाइगोस्की का ही है, ठीक है, समझ रहे हैं, देखिए। और चॉम्स्की का क्या होता है, ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बनाए थे, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बनाए थे, ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और उसके बाद आता है वाइगोस्की सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, अपने आप को जो अपने आप जो बोलता है बच्चा उसको हम प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, जो कि 3 ईयर में डेवलप हो जाता है, और सोशल स्पीच जो है 2 ईयर में डेवलप हो जाता है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और उसके बाद आता है 7 ईयर जो इनर साइलेंट, मतलब अपने आप को जो बोलता है, ठीक है, साइलेंटली जो मतलब स्पीच बोलता है, प्राइवेट स्पीच अलग होता है, साइलेंट स्पीच अलग होता है, ठीक है, ध्यान में रखिए ये। और उसके बाद जाते हैं हम दूसरा चैप्टर को, दूसरा चैप्टर क्या है, जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट, ठीक है, क्या है वो देखिए, ये होता है, देखिए जेंडर जो है यहाँ पर ध्यान में रखिए, जेंडर और सेक्स, जेंडर होता है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट, सोशल कंस्ट्रक्ट, और ये जो होता है बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, ओके ध्यान में रखिए। और जेंडर जो है वो कैसे मतलब स्टार्ट होता है, वो फैमिली, मैरिज हो गया, मीडिया, एजुकेशन, बुक्स, यहीं से हम क्या कर सकते हैं, ये रोल प्ले करते हैं यहाँ पर जेंडर, ठीक है।
और यहाँ पर दो तरह के जेंडर होते हैं, देखिए स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप, ठीक है यहाँ पर गलत लिखा मैंने, सॉरी स्टीरियोटाइप, ठीक है स्टीरियोटाइप मतलब जो पहले से चलते आ रहा है, और बायस जो होता है वो अपने मतलब डिफरेंस करना, वुमेन एंड मैन में डिफरेंस करना, और ये जो होता है स्टीरियोटाइप वो अलग होता है, ठीक है मतलब पहले से जो चला आता है उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं उसको, स्टीरियोटाइप बोलते हैं, ठीक है आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर को, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। क्या चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या होता है, वो होता है देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है वो क्या होता है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, किसने किसने कहा, जॉन लॉक के हिसाब से जो स्टूडेंट होता है वो एम्प्टी वेसल्स होता है, मतलब टीचर जो है बहुत सब कुछ करता है, ये टीचर सेंटर हो गया, समझ में आ गया। लेकिन देखिए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो है वो चाइल्ड को क्या करना, उनको बेनिफिट देना, उनको बोलने के लिए मतलब उनको एनकरेज करना, ये सब होता है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में, ठीक।